नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आज आप आए हैं मेरे इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रोफाउंड इन्फो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में, उनका रोल क्या होता है, क्यों वो जरूरी है आइल्स एग्जाम के परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, सिनोनिम्स का यूज आइल्स मॉड्यूल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर चाहे वो स्पीकिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एफिकेसी, जिसे हम हिंदी में प्रभावकारिता भी यूज करते हैं और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इफेक्टिवनेस। इस वर्ड के सिनोनिम है सक्सेस एंड पोटेंसी। वैसे तो इस वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम हैं, अगर आप गूगल करें तो इसके बहुत सारे सिनोनिम आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर दो ही यूज करे। इस वर्ड के एंटोनिम है इन एफिकेसी, या फिर आप इन इफेक्टिवनेस भी इस वर्ड का एंटोनिम यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वर्ड को अगर हम सेंटेंस के रूप में यूज करें तो देर इज लिटल इंफॉर्मेशन ऑन द इन एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद करें तो बनता है, इस ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस होने के हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है इमिनेंट, जिसे हम वेरी क्लोज भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसका वर्ड का मीनिंग है इम्पेंडिंग। देखिए दोस्तों, इस वर्ड की हमें प्रोनंसिएशन को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर हम इस वर्ड को स्पीकिंग में यूज़ करते हैं तो इसकी प्रोनंसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वर्ड के जो सिनोनिम है वो कहते हैं हम एट हैंड एंड क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बहुत ही नज़दीक, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन ख़त्म होने की कगार पे है। इस वर्ड का एंटोनिम जो है वो है रिमोट। रिमोट को हम कई बार कहते हैं रिमोट एरिया, मतलब दूर दराज वाला एरिया। तो दोस्तों, इस वर्ड को अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो मिलेगा, दे वर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बींग स्वेप्ट अवे। वे बह जाने के बहुत ही नज़दीकी खतरे में थे। तो इस वर्ड का यह हिंदी में मीनिंग होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैनीफोल्ड, जिसे हम इंग्लिश में मैनी भी कहते हैं और हिंदी में अनेक भी कहते हैं। दोस्तों, इस वर्ड को हम राइटिंग टास्क में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, जहां पर हमें कुछ ऐसी चीज़ लिखनी होती हैं जिसमें हमें न्यूमरस चीज़ों को बताना होता है, जैसे मैनीफोल्ड प्रॉब्लम्स या फिर मैनीफोल्ड इशूज़, या फिर आप कह सकते हैं मैनीफोल्ड एडवांटेजेस। तो दोस्तों, इस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो है न्यूमरस एंड मल्टीपल। और एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसमें वर्ड मिलता है हमें सिंगल। अगर हम इस वर्ड को अगर एक सेंटेंस के रूप में यूज करें तो द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन वर मैनीफोल्ड। तो हम कहते हैं हिंदी में, जो उस डिसीजन के इम्प्लीकेशंस थे वो बहुत सारे थे। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिग्निफाइड। हिंदी में अगर इसका मीनिंग हम जाने तो हमें मिलेगा प्रतिष्ठित, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है नोबल। दोस्तों, इसके सिनोनिम जो है वो है किंगली और कोर्टली। तो दोस्तों, ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम किसी प्रतिष्ठित चीज़ का हम मेंशन करते हैं। एंटोनिम जो इसका है वो है अनडिग्निफाइड। और अगर हम इस वर्ड को एक सेंटेंस के रूप में देखें तो हमें मिलेगा, शी इज़ वेरी फेमस फॉर हर डिग्निफाइड साइलेंस। तो वह बहुत फेमस थी उसकी प्रतिष्ठित साइलेंस की वजह से। तो दोस्तों, हमारा लास्ट वर्ड है मिस्टिकल, जिसे हम हिंदी में रहस्यमय भी कहते हैं और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो स्पिरिचुअल भी होता है। दोस्तों, इस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो है रिलीजियस एंड ट्रांसेंडेंटल। दोस्तों, इस वर्ड के जो एंटोनियम है वो है एक्सोटेरिक। और अगर हम इस वर्ड को एक सेंटेंस के रूप में देखें तो हमें मिलेगा, द मिस्टिकल थियोलॉजी ऑफ रिचर्ड रोले इज़ वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पर थियोलॉजी का मतलब है जो एक स्टडी होती है जो नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ के बारे में हमें बताती है। थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर सपोर्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आने वाले दिनों में ऐसी ही और भी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से अच्छे बैंड लेकर अपना जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो क्रैक करें। धन्यवाद।